नॉर्मल इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे किसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यू वेक अप एट 12 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, क्या तुम दोपहर, क्या तुम दोपहर में 12 बजे उठते हो? 5 इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, यू वेक अप एट 1 इन द आफ्टरनून, इंटरोगेटिव बता दो. Do you wake up? नहीं सर. What time you wake up? तुम्हें ये चीज मालूम है कि जब भी WH family words की बात करते हो आप, WH family words usually इस्तेमाल किस तरह से होते हैं? दो तरह से. एक तो question interrogative बन के आएगा, दूसरा as a conjunction. यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू यूज इट एज अ कंजंक्शन, बट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग एज अ क्वेश्चन इंटरव्यू. क्या कर रहा हूँ ध्यान से देख रहा हूँ. व्हाट टाइम, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, यहाँ पे टाइम ऑलरेडी मेंशन है. व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज टाइम यहाँ से रब हटा दी, यहाँ पे आएगा. एट व्हाट टाइम यू वेक अप, At what time you wake up? Rest is the same. At what time do you wake up? मतलब किस वक्त तुम उठते हो? I cannot say at what time do you wake up at 1 in the afternoon. I'm not going to say that. Why? Because I am actually talking about the time. I want to know the time. If I want to know the time, I'm not going to mention it. तो सर इससे तो पता नहीं हमको, हमको ये नहीं पता है कि आप टाइम नहीं पता हमको, लेकिन इसलिए इसलिए ये सवाल बन रहा है ना. डेफिनेटली सवाल ही नहीं होता अगर वक्त का मालूम होता. जी यस, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, एग्जैक्टली आई वोक अप. आप मुझसे क्वेश्चन करते हो एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, तो आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग एक्चुअली, बिकॉज आई हैड अ क्लास एट 8 o'clock, सो आई हैड टू गेट रेडी इन दैट 1 आवर, एंड आई वाज हियर एट 8 बजे में यहीं था. इन द In the afternoon. It becomes a question. This one is also a question. But this one is what we are talking about. Why we write afternoon? Why we write afternoon? घंटे तो होते हैं afternoon के, उसमें तो पता चल जाएगा या तो 1 और 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है. सबसे पहली चीज़. 12 से 3. अगर आप specify करके पूछ रहे हो कि तुम दोपहर में कितने बजे उठते हो, भाई usual सी चीज़ है ना. This is something which is very useful for you. I always used to wake up in the early morning. Early morning. School. You used to wake up or you wake up? Right now I always do. Not now. You used to wake up early in the morning, but early now. Because it's passed out.